संडे यार हम बाहर ना निकले, ये हो नहीं सकता। कब तक यार पड़े रूम में हम पड़े रहेंगे? तो इससे बेहतर है कि हम बाहर जाए और देखते हैं कि हमने कहाँ पे जाना है। तो कर रहे हैं हमने चिल आउट, तो चलो देखते हैं। अभी कंफर्म नहीं कि किधर जाना है, लेकिन जाना ज़रूर है। लेट्स गो ब्रो। हाँ टिकट ले लियो। ये भाई अच्छा सुन की है, बस डन हो गया भाई। हम पहुंच गए सोल के एक्सप्रेस बस टर्मिनल, और इसके बाद हमारा इरादा है कि हम जाए इतवान। वहाँ पे एक छोटा सा काम है, फूड लेना था। ये भाई चेक करें स्टेशन पे LCD, हर जगह पे LCDs लगी होती है, ज़रूरत कोई नहीं है लेकिन बस लगाई है। इसको कहते हैं तरक्की। अब आप लोग ये पिलर चेक करें, इस पर भी LCD लगाई है। है कोई ज़रूरत LCD इस पर लगाने की? कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये तरक्की है, इसको कहते हैं तरक्की। काश हमारे मुल्क में भी इस तरह जल्द से जल्द तरक्की आ जाए। अभी इतवान पहुँच गए, तो यहाँ पे फॉरन फूड से जो हलाल फॉरन फूड होता है वहाँ से थोड़ी शॉपिंग करनी है, और उसके बाद एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, जहाँ पे कोरोना बिल्कुल कंट्रोल हुआ था, लेकिन एक दो जगह से कोरोना फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो उसका नाम मैं नहीं लूँगा, मैं सिर्फ दिखाऊँगा और इशारा भी नहीं करना, क्योंकि मेरे चैनल को खतरा हो सकता है, और नहीं खतरा हो सकता है इसलिए। और थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, फूड लेना है, और इसके बाद मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। ये सारे सालन पड़े यहाँ पे, हलीम हो गया, चना हो गया, सब्जी हो गई, सारे जो रेडीमेड होते हैं ना बने बनाए, ये सारे यहाँ पे पड़े और मज़ेदार होते हैं। नहीं जायका ठीक होता है, इतना खराब नहीं होता। हम कहते हैं अभी हमने ले लिए दो नहारी ले लिए, अभी ये दो नहारी है और एक साग भी ले लिया, ये साग है। और मेरे फेवरेट चीज़ें बनी है पड़ी है भाई यहाँ पे, दो बल्कि तीन, ये चार ही ले लेते। ये सारा हलाल फूड है, हलाल मीट। यार तो ठीक है बोला, पंज बकरे के लेने पाए चंपे, हमने तो ऑलरेडी ले लिए। कलेजी हो गई, दिल हो गया, चिकन का दिल नहीं हो रहा कलेजी। और ये सारा एरिया जो है चिकन का है, हलाल चिकन। और ये अब सारे स्नैक्स पड़े। ये तो शॉपिंग हो गई हमारी, शॉपिंग कर ली है सारी, और अब हम इसको पोस्ट पे टैग पे करेंगे, पोस्ट ये लोग हमें पोस्ट कर लेंगे, तो हमारे घर आ जाएगा एक दो दिन बाद। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने एक दो चीज़ें दिखानी थी आपको, तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं। ये मेरे पीछे देखिए आप, मैं इशारा नहीं करूँगा और मैं इसका नाम लूँगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो एक ये जगह, और एक मैं आप लोगों को दूसरी जगह बताता हूँ। तो ये बार टाइप है,
और कोरोना वायरस कंट्रोल हुआ था, लेकिन यहाँ से दोबारा फिर स्टार्ट हो गया इसी बार की वजह से। और एक ये आप लोग देख सकते हो इसका लोगो और इसका नाम, तो इसका उर्दू में नाम है बादशाह क्लब। तो ये एक दूसरी क्लब ये, तो इस दो क्लबों की वजह से ना दोबारा स्टार्ट हो गया। भाई स्टोरी बताएं ना, आप हुआ क्या था? स्टोरी में क्या बताऊँ, स्टोरी ये है कि कोरोना वायरस ना कंट्रोल हो गया था, आराम से बिल्कुल बंद हो गया था कोरिया में। भाई आपकी आवाज़ भी कट रही है। तो इसकी आवाज़ भी कट रही है। तो दोबारा जब स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। एक बंदे को हुआ था, वो जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि पहले वाले क्लब में ना एक बंदा वो गया, और जब वहाँ पे गया तो उसके बाद दो तीन दिन बाद सिम्टम किसी को, काफ़ी लोगों को फील हुए, तो उन लोगों का कोरोना था। फिर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि यहाँ पे 5000 लोग आए थे इस एरिया में, ये जो पूरा एरिया है, तो 5000 लोगों ने दोबारा फिर करना है टेस्ट। तो कुछ लोगों ने किया, ज़्यादातर लोगों ने किया, और कुछ लोगों ने किया या नहीं किया आई एम नॉट श्योर, लेकिन यहाँ से दोबारा फिर स्टार्ट हो गया। तो लोग यार प्लीज़ एहतियात करें, इस दिनों में लाजमी एहतियात करें, और ऐसी जगहों पे मतलब किसी ने शॉपिंग करनी है डे टाइम पे यहाँ पे आइए करें, लेकिन इस तरह की जगहों पे ना जाइए। वैसे भी इस्लाम में हराम है यार, थोड़ा कंट्रोल रखें। और ये देखिए मास्क अभी हमने फुल पहना कर दिया मास्क, बाद में गवर्नमेंट ने बोला तो मास्क वगैरह कहीं मास्क किसी ने ना पहना हो ना तो घर से बाहर जाने नहीं देते नहीं है। तो बस इसके बाद और मैं क्या कहूँ, कोरोना चलता रहेगा, ड्रिंक करें पहले। मेरा तो ये अमरूद वाला, मेरी तो सांस बोलते बोलते फूल गई है। ये पिए ना, कुछ पिए तो एनर्जी आएगी ना। और ये पीते हैं तो फिर इसके बाद कहाँ पे जाना है? हम चलते हैं यंगसन, कोई कैमरा वगैरह देखते हैं अपने लिए, और को फोन देखते हैं, अगर कोई पसंद आ गया तो ले लेंगे। पसंद आ गया तो तब लेना, वैसे नहीं, वैसे वादा नहीं कर रहे आप, वैसे पैसे नहीं एक्स्ट्रा भाई, कोई पैसे, कोई कैमरा या कोई चीज़ पसंद आ गई तो कुछ आ रहे हो भाई, अपने बारे में बताओ। पैसे ज़ाहिर बात है, अब हर बंदा पैसा क्यों बचा रहा होता है, इसलिए बचा रहा होता है कि भाई पाकिस्तान जाए और वहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करे। आई शॉपिंग करनी है यहाँ पे, विंडो शॉपिंग जिसको कहते हैं, विंडो शॉपिंग, कोई चीज़ पसंद आई तो देखते फिर। भाई ये कैमरा पसंद आया, M50 वो ले लिया, कैनन का M50 कैमरा है, और बाकी व्लॉगिंग उस पर कर लिया। तो व्लॉगिंग का मुझे शौक चढ़ा है आजकल, अल्लाह खैर करे। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते, अरे करो सब्सक्राइब करोगे तो मेरा, मुझे खुशी होगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसके बाद कुछ खा रहे हैं अभी हम यार, अभी बर्गर का मूड बन रहा है, हमने कैमरा बाय किया था, छोटी मोटी पार्टी होनी चाहिए।